और नई संसद पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान को बीजेपी ने देशवासियों का अपमान बताया है। उधर शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि नई संसद मोदी मल्टीप्लेक्स है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के नई संसद पर दिए बयान पर घमासान मचा है। बीजेपी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान बताया। बीजेपी नेता बिप्लब कुमार देव ने कहा कि इस तरह का बयान कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के, इसके बयान के माध्यम से कांग्रेस के देवलियापन और ये जो उनका मानसिक रुगाग्रस्त का परिचायक एक स्थिति वो सामने आई हुई है। लेकिन जयराम रमेश के सुर से सुर मिलाते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया और कहा कि वहां लॉबी नहीं है, ना ही सेंट्रल हॉल है। वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है, क्या है वहां? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। और लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में गहमा गहमी तेज हो गई है। महान दल ने आज यूपी के आगरा में एक बड़ी रैली की। ताकत दिखाओ अधिकार पाओ रैली के जरिए महान दल के संस्थापक केशव देव मौर्य ने यूपी के आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया। मौर्य ने मंच से कार्यकर्ताओं का चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके लिए हर पार्टी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शर्त है कि वो पार्टी उसके समाज के न्याय और सम्मान की बात करे। महान दल का दावा है कि उसे मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी और कंबोज जैसे अन्य पिछड़े वर्गों का भी समर्थन मिला है। हमारा समाज जो शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज है, उसकी तादाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है, 14% से ज्यादा। लेकिन मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होते हुए केशव प्रसाद मौर्य के ये समाज हक और अधिकार से विहीन है। इसके साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, उन्होंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया। लेकिन कुछ जहां शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ महान दल का कहना है कि वहाँ न्याय शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज का, हमें भारतीय जनता पार्टी या किसी से कोई आपत्ति नहीं है। टीवी 9 से बातचीत में महान दल के संस्थापक केशव देव मौर्य के अनुसार उन्हें देश की किसी राष्ट्र पार्टी से गुरेज नहीं है। मौर्य से बात की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर। कांग्रेस से गठबंधन की बात रही तो 2009 में भी हमारा कांग्रेस से गठबंधन रहा, 2014 में भी लोकसभा गठबंधन रहा और कांग्रेस गठबंधन हमारे लिए एक अच्छा गठबंधन था, उनकी हम बुराई नहीं कर सकते। लेकिन आज जो 22 में गठबंधन हुआ अखिलेश जी के साथ, उन्होंने भी अच्छे नेता हैं, सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने महत्व नहीं दिया महान दल को। इसलिए हमने जून में 2023 में बसपा को समर्थन किया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उसके जवाब में कोई नहीं आया, ना एक पत्र आया, ना हमारे लिए बुलावा आया, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए हम अपनी ताकत अकेले में तैयार कर रहे हैं और हम किसी न किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे। आरक्षण देगी जो सरकार, हिस्सा देगी जो सरकार, सम्मान देगी, हम उसके साथ हैं। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है और मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता।